सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप माइनक्राफ्ट कैसे परचेज कर सकते हैं एकदम लीगल तरीके से। कोई हैक वैक नहीं, कोई फ्री में नहीं, ठीक है। जो पेमेंट होता है, जो $26 होते हैं, वो कैसे पे कर सकते हो एंड कैसे आप बाई कर सकते हो माइनक्राफ्ट को एंड कैसे प्ले कर सकते हो, वो पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाले। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पे सर्च करते हैं माइनक्राफ्ट। देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना होगा minecraft.net, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सर्च करा, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। एंड बहुत सारे वर्जन, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे एडिशन दिए गए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो पहला वाला है ना, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूट्यूबर यही यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा एंड इसका यहाँ पे आप सारा ग्राफिक्स एंड सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, किस तरीके का है सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे गेट माइनक्राफ्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यस गाइस, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। क्या आप किसके अंदर डाउनलोड करना चाहते हो, कंप्यूटर, मोबाइल, कंसोल या तो फिर अदर्स के अंदर? तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर पे क्लिक करा एंड यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर तीन ऑप्शन आ गए, पीसी, मैक एंड लिनक्स। आपके पास मैक है तो आप मैक के अंदर यहाँ पे इस पर क्लिक करेगा, लिनक्स है तो यहाँ पे क्लिक करेगा। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे विंडोज़ पीसी पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके अंदर भी दो वर्जन आते हैं, एक जावा एडिशन और एक विंडोज़ 10 एडिशन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अगर आपके पास ऐसा कहा था पीसी, नॉर्मल सी बात है कि आप जावा एडिशन यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हो, बिकॉज जावा एडिशन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, फिर ऐसा करने के बाद, एक मिनट, फिर ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ऊपर की ओर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिगिनिंग December 1, 2020, मतलब कि आपका यहाँ पे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए रहता है इसको लॉगिन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बिकॉज अगर आप डिलीट कर दोगे या तो फिर किसी और पीसी के अंदर यहाँ पे आपको डाउनलोड करना रहेगा, तो आप डायरेक्ट उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू ही आप डायरेक्ट फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, मतलब आपने पहले परचेस किया होगा। तो इसलिए अगर आपका जो ईमेल होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल होगा, ठीक है, वो 1 दिसंबर 2020 से पहले का बना होना चाहिए। तो चले ये सब तो हुआ, यहाँ पे हम डायरेक्ट बाय माइनक्राफ्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे गाइस आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यस गाइस, माइक्रोसॉफ्ट मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं मांगा, आपके अंदर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर आपका पहले से होगा तो मांगेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ पे क्रिएट करना होगा, नॉर्मल से जैसे ईमेल बनाते हो वैसे ही होता है, ठीक है। तो यस गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हो $26.95। तो मतलब कि यहाँ पे 2000 रुपीज़ होते हैं मिनिमम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पेमेंट मेथड दिए गए कि आप पेपल से कर सकते हो एंड बहुत सारे हैं। यहाँ पे मोर पेमेंट मेथड पे जाओगे तो और भी सारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गाइस ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ कोई यूज़ नहीं करता। तो मेरा रिकमेंडेड ऐसा ही होगा कि आप यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ करिए, ठीक है। तो डेबिट कार्ड को यहाँ के आपको नंबर, कार्ड नंबर टाइप करना है एंड फिर एक्सपायरी डेट उसका एंड CVV एंड यहाँ पे आपका जो पोस्टल कोड जो भी होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रखना है। एंड सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बिकॉज जो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बना होना चाहिए, तभी जाके वो डेबिट कार्ड यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये बाहर के कंट्री बनाते हैं, नॉर्मल सी बात है माइनक्राफ्ट, तो सिंपल सी वहाँ की करेंसी चाहिए रहती है। बट जो डेबिट कार्ड हमारा होता है, अगर वो इंटरनेशनल होगा तभी जा करके वो पेमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट नहीं हो रहा था, अब हम कहाँ करेंगे? तो अब हम यहाँ पे करेंगे रिडीम कोड के थ्रू, ठीक है। एंड रिडीम कोड ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर के आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रिडीम कोड यहाँ पे गाइस बाय करना पड़ेगा अमेजोन से, ठीक है। जैसे कि नहीं होता अमेजोन से आप कोई भी CD या फिर को कुछ खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी गेम्स का, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑनलाइन CD मिल जाएगी जिसका एक कोड होगा। और कोड आपको कहाँ पे डालना होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे प्रोफाइल में जाओगे इस तरफ से, यहाँ पे मैं प्रोफाइल के अंदर गया, ठीक है। एंड प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आप जो रिडीम देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिडीम करना पड़ेगा वो वाला कोड जो भी आपको अमेजोन के थ्रू या तो फिर कोई भी वेबसाइट के थ्रू आपको कोड मिलेगा, वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा। यहाँ पे रिडीम कोड जैसे ही करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, यहाँ पे सारी सारी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे हमको दिख रही है एंड यहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। एंड जैसे ही बाय करोगे आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक कोड मिल जाएगा,
तो यस गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अमेजोन से पूरा का पूरा यहाँ पे कोड जो है वो परचेस कर लिया है। मतलब कि यहाँ पे गाइस देख सकते हो थर्सडे 7 सितंबर एंड आज गाइस हुए डेट 3 सितंबर, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे गाइस 5 दिन या फिर 4 दिन के बाद आने का ऐसा कुछ बोल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 या 2 घंटे के अंदर ये जो मैंने जिस ईमेल से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ अमेजोन, ठीक है, उसी के ऊपर यहाँ पे हमको एक कोड मिल जाएगा एंड 1 या 2 घंटे लगेंगे। एंड वो कोड आने के बाद कहाँ पे उसको लगाना है एंड कैसे परचेज करना है पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले चले कोड आने दीजिए, फिर मैं आपको वीडियो को आगे बताता हूँ। सो यस गाइस, तो कोड हमारे पास आ चुका है, लेकिन कोड डालने में मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कोड आने के लिए, ठीक है, अमेजोन से। बिकॉज अमेजोन से मैंने यहाँ पे परचेज तो कर लिया था, 2300 रुपीज़ का पड़ा था यहाँ पे, बट हुआ ऐसा कि वहाँ पे सेलर के थ्रू एक मैसेज आ रहा था कि आप ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, ये वाला प्रोफाइल का, ये जो प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है वो भेजने का, ठीक है। और मेरे को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा, वो अंदर ऐसा बोल रहा था कि लाइब्रेरी ऐसा कुछ बोल रहा था, माइनक्राफ्ट लाइब्रेरी का स्क्रीनशॉट भेजो, बट मुझे पता नहीं था ये वाला भेजना है। फिर मुझे पता चला एक मेरे दोस्त के थ्रू कि भाई ये वाला स्क्रीनशॉट भेजना रहता है, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने भेजा वहाँ पे मेल के अंदर, ठीक है। तब जाके एक कोड दिया मेरे को, और वो कोड ऐसा नहीं कि 2 घंटे के बाद आया, पूरा 1 दिन लगा है, ठीक है, याद रखना पूरा 1 दिन लगा है वो कोड आने के लिए। एंड अब मैं वो कोड लगाने वाला हूँ, कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल मैंने ये कोड लगा दिया है और अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं रिडीम करता हूँ इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है क्लेम करने का यहाँ पे मेरे पास, एंड यहाँ पे चले जल्दी से फटाफट से यहाँ पे मैं क्लेम कर देता हूँ, और मेरे से अभी रहा नहीं जा रहा। और यहाँ पे गाइस यस माइनक्राफ्ट प्रोफाइल नेम यहाँ पे मेरा बता रहा है, ठीक है, डेट्स मी यस ब्रो, एंड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। एंड डाउनलोड लॉन्चर का मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, तो यस गाइस अपनी जो माइनक्राफ्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल ये यहाँ पे रन करने का ऑप्शन आ रहा है फिलहाल, ठीक है, इसको हमको रन करवाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, एंड यस गाइस यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देते हैं, एंड इंस्टॉल। सो यस गाइस यहाँ पे इंस्टॉल होने का स्टार्ट हो चुका है हमारा माइनक्राफ्ट। वैसे बड़ी मेहनत लगी है ये डाउनलोड करने के लिए, तो यस यहाँ पे फिनिश करवा देते हैं, ओके। एंड यस गाइस यहाँ पे माइनक्राफ्ट लॉन्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, रुके मैं आपको बता देता हूँ पूरी तरीके से, देखो यहाँ पे माइनक्राफ्ट लॉन्च हो रहा है। सो ये रहा इसका लॉन्चर, यहाँ पे देख सकते हो माइनक्राफ्ट लॉन्चर बिल्कुल यहाँ पे एकदम परचेस किया हुआ। और बस अभी हम यहाँ पे इस गेम को ओपन करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये चलता है। और यस गाइस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन किया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके। एंड शायद मेरे को लग रहा है यस यस आईडी वाईडी मांगेगा, तो यस बिल्कुल लगा देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड को डाल दिया है एंड साइनिंग कर देते हैं। बस अभी देखते क्या होता है क्या नहीं होता, क्या यहाँ पे सही से बताता है कि नहीं। चले यहाँ पे हो चुका है, लेट्स गो, यस ब्रो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। बस अभी देखने वाली बात है कि क्या सही तरीके से यहाँ पे खुल पाता है नहीं हमारा गेम माइनक्राफ्ट। और यस गाइस यहाँ पे आ चुका है, देखिए प्ले का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो मतलब कि यहाँ पे गाइस हमारी जो गेम है वो बिल्कुल इंस्टॉल हो चुकी है। एंड बस यहाँ पे अब हमको प्ले के ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ पे देखिए 400 MB का डाउनलोड मांगेगा, ठीक है, अभी भी 400 MB का डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद बस ख़त्म सब कुछ, हमारी गेम हो चुकी है स्टार्ट। सो यस गाइस, तो फाइनली यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट जो है पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। बस अब यहाँ पे सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर यहाँ पे बस खेलने का बस शुरू करना है, ठीक है, और हो जाएगा पूरा खत्म यहाँ पे हमारा जो माइनक्राफ्ट डाउनलोड करने का था, ठीक है। पूरा हमने मैंने आपको बता दिया है, ऐसा वीडियो किसी ने भी डाला नहीं है, ठीक है, अभी तक के पूरा कंप्लीट तरीके से बताओ किस तरीके परचेस करना हो, आई थिंक मेरा ही होगा पहला। तो आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लेना। सो चले मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू एंड टेक केयर।